हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका माइनिंग व्लॉग में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं बहुत दिनों से मैं गांव में था। आप सबको मालूम ही है, प्रीवियस व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। यही भक्ति इन्जॉयमेंट बच्चों के साथ बहुत सारे इन्जॉयमेंट हुए। उस ब्लॉग में आप लोग को दिखाया हूँ। ज़्यादा ब्लॉग में बना नहीं सका क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी, बहुत सारे मल्टीपल वर्क थे। बाकी अब हम फाइनली निकल चुके हैं। आप लोगों को मालूम है हम कहाँ रहते हैं, चेन्नई में, चेन्नई के लिए। और निकलने के बाद अब वहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट होगा। 75 डे चैलेंज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप कमेंट में डालिए कि वीडियो जो चैनल बड़ा हो चुका है पर वीडियो नहीं, वॉच टाइम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पैसा आदमी कमाएगा कैसे। फाइनली हम निकल चुके हैं, ब्लॉग आपके सामने आता रहेगा, आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलने को बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। और हम लोग जो हैं और देख सकते हैं मिडिल बर्थ मिला है, बहुत बकवास बर्थ, किसी तरह कंफर्म हो गया है, बहुत है। एसी भी नहीं चल रहा है। तो फुल डे ब्लॉगिंग होगा। तब तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। वन सेकेंड गाइस, सेकेंड डे ऑफ जर्नी पटना टू चेन्नई। और हम लोग अब आ गए हैं जबलपुर। देख सकते हैं जबलपुर स्टेशन का नज़ारा ये है। और ये हमारा संगमित्रा एक्सप्रेस सुपर फास्ट, बहुत मुश्किल से टिकट कंफर्म हुआ है गाइस। और मैं अपने भाई अतुल को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि कंफर्मेशन हुआ है टिकट, उसके कारण हम अच्छा से आ पाए। बहुत भीड़ है गाइस, देख सकते हैं। और डे बाय डे आपको ब्लॉग मिलेगा। और एक भैया मिल गए हैं, देख लीजिए। हाय कर दीजिए भैया, बहुत अच्छे हम्बल आदमी है। भूख लग गया था तो हम लोगों ने केक और एक मिक्सचर ऑर्डर किया। देखिए अभी मीठा भूझाल मुड़ी खा रहे हैं। और गाइस देख सकते बहुत भीड़ है यहाँ पे एसी में भी। हेलो गाइस, खाने अब हम लोग खाना हो गया ऑर्डर। हम लोग वेट कर रहे हैं बलापसा जंक्शन में आएगा हम लोग का खाना, तो वहाँ हम लोग रिव्यू देंगे। इससे पहले भी रिव्यू दिए थे। और यदि अच्छा होगा तो बोलेंगे कि आप लोग आएँ तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं होगा तो आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं ये भैया अभी अभी किया ना ऑर्डर। हम लोग अपना फीडबैक दिया जाएगा कैसा खाना है नहीं है, ठीक है। एक बार दिया जाएगा सही फीडबैक, जो सही लगे वही फीडबैक दूंगा। गाइस, अब हम लोग जो है कहाँ पहुँचने वाले हैं, बिलकापसा हम लोग पहुँचने वाले हैं। हम लोग खाना वहीं पर ऑर्डर हुआ है, बिलारसा जो भी हो हम लोग पहुँचने वाले हैं। देख सकते जंगल में गाड़ी रोक दिया है गाइस। और यहाँ पर देख सकते हैं सर सफाई के व्यवस्था ठीक ही है, देख सकते हैं। और एक भैया मिले चलाएगा, बहुत अच्छा सर्विस दिया है बेचारा, बहुत सिंसियर, बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है। कल एसी खराब हो गया था, अकेले पूरा कूद के बना दिया। ओके गाइस, अब रात में हम लोग जा रहे हैं सोने, खाना खा के फाइनली हम लोग आ गए ऑर्डर रिसीव। बेचारा ये भैया आए हैं ICTC के साइड से, हम लोग ऑर्डर किए थे। बहुत गर्म है खाना, वो खा के एक रिव्यू दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। के साथ साथ टिश्यू पेपर वगैरह, स्पून वगैरह और अचार वगैरह भी दिया है उन्होंने। बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है व्यवस्था, और खा के आपको बताएंगे कैसा है नहीं। और देखिए इनका भी सब्जी बहुत डिलीशियस लग रहा है, वेज प्याज वगैरह के साथ। और आप भी आइए तो खाना अभी खा के बताएंगे, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाना खा के बताएंगे कैसा है नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ से हम लोग मंगवाए हैं, जो सा एग्रीगेटर से, रेस्टोरेंट से, हम लोग आपको बोल देंगे, आप वहाँ से ऑर्डर कर लेना। गाइस, फाइनली हम लोग का डिनर हो गया कंप्लीट। बहुत बेहतरीन डिनर था गाइस। आप ICTC के ऐप में जाके, ठीक है, फूड वाले ऑप्शन में जाके रेलोफाई करके जो एग्रीगेटर होगा उसके थ्रू आप खाना लीजिएगा। बहुत बेस्ट खाना है वहाँ पे, बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके रखा है उन्होंने। क्योंकि दो अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना आया था, मेरा बिरयानी आया था, उनका
रोटी वगैरह आया था, दोनों बहुत अच्छा था क्या? आप अपना फीडबैक दीजिए कैसे? बिल्कुल बहुत अच्छा खाना था, आप लोग भी जरूर मौका मिले जरूर खाएं, जरूर खाएं। ट्रेन में आए तो जरूर करके आए, खासकर नागपुर साइड में, जैसे पटना से चेन्नई आ रहे हैं तो यहाँ पर बलारसा में ले सकते हैं, या रेलोफाई का जो भी एग्रीगेटर है वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हम लोग जा रहे सोने, गुड नाइट। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग को थोड़ा ठंडा लग रहा था अंदर में, तो हम लोग अब बाहर आए हैं, थोड़ा धूप छेद रहे हैं, देख सकते हैं भैया के बगल में बैठे तो भी आ गए हैं, और एक हमारे बड़े अच्छे मित्र भी मिल गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, कहा कि मोतिहारी गए ना, मोदी जी के ये भी सख्त अभी विरोध कर रहा है मेरे जैसा, बात सही है, इनका कहना है कि हर 5 साल में चेंज कर देना चाहिए, क्या डेवलपमेंट उसके हिसाब से होगा, कोई भी सरकार हो 5 साल में चेंज कर देना, सही बात, इनका बहुत अच्छा सुझाव है, तो आप लोग को भी समझना पड़ेगा, हम लोग को भी समझना पड़ेगा कि ये कानून को यदि आप बार बार जांच दे रहे हैं तो आदमी तनाशा हो जाएगा, 400 पार लोग बोल रहा है, 400 पार हो जाएगा, तो इंदिरा गांधी जी का भी 400 पार हुआ था तो बिना मद्रा वर्णा स्मृति कराना शुरू कर दी थी क्या जी? तब जेपी जी ने आंदोलन शुरू किया था बिहार से, जिसके मेरे सिनानी मेरे पिताश्री भी है, तो गाय जैसे बात ध्यान में रखना है, अब तो वोट हो गया है, बट अब गाय साफ सफाई की व्यवस्था जो मोदी गवर्नमेंट में सही है, देख सकते हैं सुधार हुआ है, बाथरूम भी देख सकते हैं साफ है, और ट्रेन भी साफ है, देखिए बेसिन वगैरह भी साफ सुथरा है, जो है सो है, जो जेन्युइन है वो हम लोग दिखाएंगे क्या भाई, जो जेन्युइन है वो हम लोग दिखाएंगे, सब चीज़ साफ सुथरा है क्या भैया? साफ सुथरा में ठीक है व्यवस्था ना? ठीक है, साफ सुथरा ट्रेन ठीक है ना जी? हाँ, साफ सुथरा जो है वो सही है, जो जेन्युइन है वो हम लोग बोलेंगे। ये रोजगार नहीं रहता था, हम लोग जाते कहीं इधर से मारेगा लोग उधर जाएंगे, उधर से मारेगा लोग इधर जाएंगे, ऐसा हाल हो जाएगा, ऐसा ये है। धान की खेती शुरू हो गई है साउथ इंडिया में, यहाँ हमेशा जो है धान की खेती ही होता है, यहाँ गेहूँ वगैरह नहीं होता है, हम लोग यहाँ बिया गिरिए रहा होगा तब तो यहाँ धान देखिए बड़ा बड़ा हो गया है, देख सकते हैं धान सामने कदबा हो रहा है भैया, सामने कदबा हो रहा है, देखिए कादो भी हो रहा है, उधर कादो होगा उसके बाद धान रोपनी शुरू हो जाएगा क्या? ये धान ही धान है यार, मोस्टली धान ही होता है गाइस। वेज बिरयानी के नाम पर चावल सब्जी दिया जा रहा है, इसका प्राइस है 120 रुपये, ये सब भी देखने की जरूरत है, बाकी मजबूरी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, भूख लगा हुआ है, 3 दिन का ट्रेवलिंग है तो खाना ही पड़ेगा क्या? क्या सही बात है कि नहीं चाचा? बहुत इंजॉय हुआ ट्रेवलिंग में, बहुत फैमिली की तरह हम लोग आए हैं, बहुत मजा आया, पहुंच के रिव्यू देते हैं गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली उतर गए हैं परमपुर, और देख सकते हैं यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, 1.5 घंटा लग जाएगा रूम जाने में, देख सकते हैं परमपुर जंक्शन। फाइनली गाइस अब हम लोग चेन्नई पहुँच चुके हैं, और अब हम रूम पे पहुँच रहे हैं, अभी आगे कैब अभी अभी